उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ता जा रहा है। आज उत्तराखंड में कोरोना के 482 नए मामले सामने आए हैं, जबकि आज उत्तराखंड में कोरोना से 12 लोगों की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज देहरादून में 157, नैनीताल में 59, हरिद्वार में 50, पौड़ी में 47, पिथौरागढ़ में 44, चमोली में 41, उधमसिंह नगर में 23, टिहरी में 15, चंपावत में 12, रुद्रप्रयाग में 12, अल्मोड़ा में 10, उत्तरकाशी में 7, बागेश्वर में 5 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 72,642 हो गया है, जबकि 66,147 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 4,658 केस एक्टिव हैं। 1,185 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो अल्मोड़ा में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2,258, बागेश्वर में 1,130, चमोली में 2,554, चंपावत में 1,294, देहरादून में 20,583, हरिद्वार में 11,914, नैनीताल में 8,372, पौड़ी गढ़वाल में 4,030, पिथौरागढ़ में 2,054, रुद्रप्रयाग में 1,806, टिहरी गढ़वाल में 3,492, वहीं उधमसिंह नगर में 10,182, उत्तरकाशी में 2,973। तो टोटल मामले 72,642 हो गए हैं। देहरादून से बड़ी खबर आई है, अंतरजातीय प्रेमी युगल ने किया विवाह, पुलिस प्रशासन से मांगी सुरक्षा। तो गाजियाबाद की रहने वाली युवती ने देहरादून के युवक से प्रेम विवाह कर लिया। दोनों अलग अलग समुदाय से हैं, ऐसे में युवती और युवक ने अपने जान को खतरा बताया। ना विवाहित जोड़े ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। ओली में बर्फबारी शुरू होते ही पहुँचने लगे पर्यटक। तो पिछले कुछ दिन से उत्तराखंड के चमोली जिले में हो रही बर्फबारी के बाद ओली में पर्यटक की आमद शुरू हो गई है। बुधवार को भी बड़ी संख्या में पर्यटक ओली पहुंचे। पर्यटकों ने बर्फबारी का खूब आनंद लिया। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हर दिन बर्फबारी हो रही है, जिससे निचले वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड बढ़ने लग गई है। बुधवार को ओली में दोपहर बाद अचानक बर्फबारी शुरू होने से पर्यटक आनंदित उठे। देहरादून से बड़ी खबर आई है, तिब्बती मार्केट में रेस्टोरेंट के अंदर मिला अधेड़ व्यक्ति का खून से लथपथ शव, हड़कंप मच गया है। देहरादून के डानवाला कोतवाली क्षेत्र के तिब्बती मार्केट में एक रेस्टोरेंट कर्मचारी की गोली लगने से मौत हो गई। मौके से पुलिस ने तमंचा भी बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार तमंचे को सिर से सटाकर गोली मारी गई है। प्रथम दृष्टया पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है, हालांकि पुलिस हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं कर रही है। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है, जहाँ पे ऑल वेदर रोड कटिंग कार्य से लग रहा घंटों जाम, यात्री परेशान है। तो घाट पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क निर्माण के चलते गुरना के पास घंटों जाम लग रहा है। वाहनों की आवाजाही बाधित होने से यात्रियों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। देहरादून दिल्ली से देहरादून आने वाले यात्री रहे अलर्ट, जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्टिंग शुरू हो गई है। तो उत्तराखंड सरकार ने कोविड 19 को लेकर के महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। देहरादून दिल्ली से देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरने वाले सभी यात्रियों की कोविड 19 टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है।